planet yesterday we just finished half of the chapter. So rest of the chapter हम लोग आज पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए लिखकर मतलब टाइप करवा दिए हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ डिस्कशन हो जाएगा और फिर सब वर्ड्स को भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ लेंगे, नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो आज के चैप्टर हम लोग ने कल की जो वीडियो स्टार्ट करी थी और जो एंड करी थी लास्ट में जो लाइनें रह गई थी उसका पैराग्राफ हम पहले लगा देंगे, उसके बाद फिर आगे की बात कर लेंगे। तो जल्दी से जितने लोग अभी तक नहीं आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें उनके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाएँ पढ़ लें। बेटा पढ़ लो क्योंकि एग्जाम आ रहा है, होम एग्जाम है, डजंट मैटर, मैटर करता है हाउ टू स्कोर मोर एंड मोर, कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जो है स्कोर किया जाए ये भी मैटर करता है, चाहे ये होम एग्जाम हो चाहे ये बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। तो अभी इतने लोग आए नहीं जितना की उम्मीद की जाती है बच्चों से, ठीक है भाई। आवाज प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम, प्रॉपर आवाज आ रही है? वो फिर चैप्टर है आपका सेलिंग प्लैनेट, ठीक, वॉइस प्रॉब्लम है ना, ठीक है, नॉट टू वरी, हम उसको बैटर से सही करवा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगी कहीं से तो ना कुछ दिक्कत आई आती रहती है, कोई बात नहीं, चले कोई नहीं, ठीक। तो जितने बच्चे नहीं हैं उनको शेयर करें भाई, अभी इतने बच्चे आए नहीं है तो बुला लाएं ताकि जल्दी से स्टार्ट करें, ताकि चैप्टर बहुत ही बचा हुआ है ना, चैप्टर बचा है तो चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितने लोग आए हैं कितने नहीं आए हैं, इतने कम बच्चों में मज़ा नहीं आता, हम लोग ने ये पैराग्राफ आई थिंक पढ़ लिया था यहाँ तक है ना, और अब आगे का पैराग्राफ आप लोग को पढ़ना था, लास्ट में कुछ लाइनें बची रह गई थी, तो लाइनें ये हैं जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक एलियन प्लैनेट का लास्ट जो सेकंड पेज है उसमें लास्ट थ्री लाइंस बची हुई थी, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन द थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर नाम के कोई व्यक्ति है, उन्होंने अपनी थॉटफुल बुक, उनका बुक का नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट नाम की उनकी एक किताब आई थी जिसमें उन्होंने पॉइंट्स आउट किया था दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर, जो अर्थ के प्रिंसिपल्स चार प्रिंसिपल हैं, मुख्य सिद्धांत हैं, बेस हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो चार हैं, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है एक सिस्टम काम करता है उस तरह इस इस अर्थ का एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, उस सिस्टम में उन्होंने चार पॉइंट करे, फर्स्ट डेट जो लिखा हुआ फिशरीज, सेकेंड फॉरेस्ट, थर्ड इज ग्रास लैंड एंड फोर्थ इज क्रॉप लैंड एंड दे आर फॉर द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल, यहाँ तक उन्होंने पढ़ा था, यही जो है फाउंडेशन है, यही ग्लोबल फाउंडेशन माने जाते हैं, मतलब अर्थ का फाउंडेशन जो फंडामेंटल है, बेस है, आधार है, ये चार चीजें हैं। इसके आगे और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर अर्थ चलती है, अर्थ चलती का मतलब उनके पैर नहीं है बल्कि अर्थ रन होती है, या अर्थ को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ऊपर वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, जिन चीजों पर, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक। तो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पैराग्राफ, फोर इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक, यहाँ से हम लोग देखेंगे। इन एडिशन टू सप्लाईज अवर फूड, हमारे फूड को सप्लाई करने के अलावा, जाहिर है पृथ्वी हमें सप्लाई करती है फूड, फूड को सप्लाई करने के अलावा भी दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। किसी भी कंट्री में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर एक कंट्री का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर उसकी इकोनॉमिक्स जो है बेस करती है, मतलब एक इकोनॉमी जो चलती है ना उसमें इंडस्ट्रीज एरिया, इंडस्ट्रीज में आपका पेट्रोलियम भी आ जाता है और मिनरल्स भी आ जाता है। सो मिनरल्स और पेट्रोलियम जो इंडस्ट्रीज है इनको छोड़कर जितने भी इंडस्ट्रीज रन करते हैं किसी भी कंट्री में, उन सब के लिए वर्चुअली रॉ मटेरियल जो है अर्थ प्रोवाइड कर रही है हमें खाना देने के अलावा। हर एक फंडामेंटल, मतलब एक साबुन भी बन रहा है तो कहीं ना कहीं जमीन, कुछ वनस्पतियों से साबुन बनाए जाते हैं, घी बन रहा है तो कुछ वनस्पतियों से घी बनाया जाता है, ऑयल बन रहा है तो वो भी जो क्रॉप लैंड है वहां से ऑयल निकल कर आता है, आटा हो, चावल हो, चाइनीज खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, वॉट एवर वी कंज्यूम, हम जो भी चीजें कंज्यूम करते हैं, मतलब जो भी चीजों का हम उपभोग करते हैं, उन सारे
इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने की चीजें पृथ्वी ही है, और ये वर्चुअली कहा गया। वर्चुअली का मतलब दैट सीम्स टू बी एक्चुअल और ट्रू, जो वाकई में डायरेक्टली नहीं दिखाई दे बट इनडायरेक्टली पर पृथ्वी ही इसमें भाग निभाती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल, जितने भी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज के लिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब हो गया के अलावा या सिर्फ, एक्सेप्ट का मतलब हो गया के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। क्या दिख रहा है सबको, लिखते हुए चलेंगे, आई होप दिख रहा होगा, हम तो बस उधर ही लिख देते हैं और जल्दी याद रखें। एक्सेप्ट का मतलब के अतिरिक्त, ठीक। ठीक है, तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है वो वर्चुअली प्रोवाइड कराता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री तो मिनरल्स इंडस्ट्रीज को छोड़ करके जितने भी हजारों इंडस्ट्रीज चलते हैं किसी भी देश में इकोनॉमी को चलाने के लिए, इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के एक बड़े इलाके में, एक बड़े स्पेयर पे अगर देखें, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग ऑन अनसस्टेनेबल लेवल, एक बड़े लेवल पर इनका जो है सस्टेन जो है अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। अनसस्टेनेबल का मतलब ये हुआ, मतलब जिसको समय की विकास ना किया जाए, मतलब इनका जो बैलेंस है, लेवल है, वो गड़बड़ा रहा। एक बड़े लेवल पर पूरी दुनिया में जो प्राकृतिक चीजें हैं, जितने भी नेचुरल आइटम्स हैं, उनका जो दोहन है, उनका जो इस्तेमाल है, उनकी यूटिलिटी जो है, वो डे बाई डे डिटेरियोरेट हो रही है, कम होती चली जा रही है, एंड इट मेक्स एन अनसस्टेनेबल कंडीशन फॉर द ह्यूमन बींग। और इसी वजह से मानव जाति के सामने एक समस्या ये खड़ी हुई कि अब जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका उचित रूप से प्रयोग किस प्रकार किया जाए। अनसस्टेनेबल, अनुचित प्रयोग करने पर अनुचित विकास हो रहा है, मतलब आज नहीं तो कल ये चीजें इम्बैलेंस होंगी। आपको एक वर्ड और है, दिस बैलेंस जनरली लोग कहते हैं, सो डोंट यूज दिस वर्ड बिकॉज दिस वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लिश डिक्शनरी। दिस बैलेंस वर्ड नहीं होता है, इम्बैलेंस होता है, इसकी जगह आप इम्बैलेंस वर्ड का प्रयोग करें या अनबैलेंस वर्ड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बट डोंट यूज दिस बैलेंस। ये बहुत से हमारे महारथी लोग, महान शिक्षक भी कभी कभी बड़े अच्छे खाते पढ़े लिखे लोग भी दिस बैलेंस यूज करते हैं, बट इसको अभी इसको डिक्शनरी में जगह नहीं मिली है। दिस बैलेंस होता नहीं, क्योंकि वी आर इंडियन, वी जस्ट मेक अवर वर्ड्स आवरसेल्फ, हम अपने वर्ड्स को खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देयर सम सेटिंग इज गोइंग ऑन, तो सेटिंग हो रही है तो आप ही लोगों के लिए वेट करने थोड़ा सा। तो इन अ लार्ज एंड अनकस्टमर लेवल अ पॉइंट, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, ह्यूमन जो है एक अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंचा जा रहा है। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इंपेयर्ड, एक ऐसे बिंदु पर, एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो नेचुरल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता जो है इंपेयर्ड होती जा रही है, बिगड़ रही है। इंपेयर्ड का मतलब हुआ, इंपेयर का मतलब होता है बिगड़ना, ठीक है, बिगड़ना, इम्पेयर होती चली जा रही है। तो इम्पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा बनाना, इम्पेयर मतलब उसको बिगाड़ देना, ये वर्ड यहाँ से लिया गया, तो इम्पेयर हो रही है। एंड व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होता है तो फिशरीज कोलैप्स हो जाती है, जितने भी मछली उत्पादन है और मछली कंजम्पशन है, जो मतलब फिश को खाने वाले लोग हैं, उनमें एक इम्बैलेंस आएगा, कोलैप्स होगी। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, ठीक है, ढह जाना, ढह जाना, कोलैप्स होंगी, फिशरीज जो है कोलैप्स हो जाएंगी, उसके बाद फॉरेस्ट डिसअपीयर हो जाएंगे, फॉरेस्ट जंगल जो है वो एकदम गायब हो जाएंगे, डिसअपीयर, एंड ग्रासलैंड्स जो है, जो घास के मैदान है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इनटू बैरन वेस्ट लैंड, बंजर, बैरन का मतलब बंजर, एक वेस्ट लैंड में, मतलब एकदम बेकार
बंजर जमीनों में तब्दील हो जाएंगे एंड क्रॉप लैंड जो है डिटेरियरेट सड़ने लगेंगे। डिटेरियरेट का मतलब हो गया है सड़ना, ठीक है, जो क्रॉप लैंड है वो सड़ने लगेंगे, सड़ना डिटेरियोरेट खराब होना या सड़ना, ठीक। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड जो है, जो प्रोटीन कॉन्शियस है और प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड जो है, एवर फिशिंग इज अ कॉमन एवरी डे, ओवर फिशिंग इज अ कॉमन एवरी डे। अब यहाँ प्रोटीन वर्ड का इस्तेमाल फिश से क्यों किया गया, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो प्रोटीन और वाइटामिन के बारे में जरूर पढ़ते होंगे, जाहिर है बायोलॉजी हम लोग को बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में फिश में पाया जाता है, ये सब जानते हैं, और बहुत चीजों में पाया जाता हो बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट स्टिल आई नो जस्ट फिश हैज द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे ज्यादा अमाउंट फिश में पाया जाता है, जैसा कि हमने भी अपने 10th क्लास की बुक में बायोलॉजी में पढ़ा था। तो जो फिश खाने वाले इलाके हैं, जैसे कि हम जानते हैं साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा फिश खाई जाती है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर जो फिश कंसर्न, जो प्रोटीन कंसर्न लोग हैं या प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड है, जो जहाँ पर प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, तो ओवर फिशिंग इज अ कॉमन एवरी डे। तो जाहिर सी बात है, अगर वो प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो फिश को ही ज्यादा खाते हैं, तो ओवर फिशिंग कर रहे हैं और जिसकी वजह से उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ऐसा समझ में आया सबको, किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया, भाई बता दे, बताए बेटा, पहले पढ़ तो ले उसके बाद ना, पहले पढ़ लेते हैं। हाँ अब ठीक है, वीडियो शेयर नहीं करेंगे आप लोग, चलिए तो फिर ठीक है, कायदे से पढ़ाने के बावजूद वीडियो शेयर नहीं होती है, किसकी जिम्मेदारी भाई, वीडियो को शेयर नहीं करोगी तो फिर कैसे ही पता चलेगा कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों की काम आ रहा है। 10 बच्चों के लिए पूरी यहाँ पर पूरा सेटअप करना पड़ता है, टाइम पर आओ, देर हो जाए 2 मिनट तो बच्चे कहते हैं गुरु जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ करे लगे, ये सब करे लगे। हाँ और अगर पढ़ाए लगो टाइम पर तब ना, तब बताओ कि एक ही गलती है, यहाँ पर जो गलती है, बट यहाँ पर गलती का बुलाओ और उनको यह देखो ये हाल है, ये शेयर करो, कम से कम 2-4-5 लोग अगर सबको शेयर करेंगे 50-60-70 तो ही ले लेंगे, तुम्हें हमारे बच्चे जो है इतना लेजी हो चुके हैं कि 11 सोचते हैं कि होम एग्जाम है, जो होगा वो होगा, बात की बात बात में देखेंगे, है ना, एग्जाम की बात। चलिए जो पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, शेयर करते हैं हमारे वीडियो के एक बार, क्रॉपलैंड डिटेरियोरेट। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो पुअर कंट्रीज हैं, ओवर फिशिंग इज अ वेरी कॉमन एंड इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, जो लोकल जो पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पर लोकल फॉरेस्ट जो है, जितने भी आसपास के भी इलाके हैं जो जंगल में तब्दील हो गए, वो बीइंग डेसिमेटेड खराब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, किल हो रहे हैं। क्यों किल किए जा रहे हैं, क्यों, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायर फूड फॉर कुकिंग, वो फायर फूड फॉर कुकिंग को प्रोक्योर करने के लिए, प्रोक्योर का मतलब होता है हासिल करना, मतलब रिसीव करना, ठीक है, या हासिल करना, प्रोक्योर का मतलब होता है हासिल करना, ठीक, प्रोक्योर करने के लिए वो जितने भी आसपास के लोकल फॉरेस्ट हैं उनको डेसिमेटेड कर रहे हैं। डेसिमेट का मतलब होता है खराब कर देना, काट देना या कट कर देना या किल कर देना, तो फॉरेस्ट को डेसिमेट कर रहे हैं। एंड इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, जो फायरवुड है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। अब इसमें इस लाइन का बड़ा बेहतर सा मतलब है, वो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन व्हाट गोज अंडर द पॉट हाउ नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, मतलब पॉट के अंदर जाने वाला सामान, पॉट का मतलब एक बर्तन मान लीजिए, हंडिया, ठीक है, हांडी जिसे कहते हैं, कई जगह हांडी कहते हैं, हंडी कहते हैं, तो उसके अंदर जाने वाली चीजें जो मतलब सब्जियां हैं, तेल है, मसाले हैं, इनसे कहीं ज्यादा महंगी चीजें हैं उसके इनसाइड, मतलब बाहर चीजें, जैसे कि फायरवुड, खास तौर से आग जलाने की चीजें, मतलब लकड़ी, वो ज्यादा महंगी है। साफ लिखा हुआ है व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, ठीक, उसके नीचे, हांडी के नीचे जाने वाली चीजें ज्यादा महंगी, जबकि उसके अंदर जाने वाली चीजें सब्जी है, तेल है, ये सस्ती है, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं। Since the tropical forest is in the world of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. In the words of Dr. Myers, Dr. Myers नाम के व्यक्ति हैं, उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो the powerhouse of evolution. Evolution का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन का ये जो powerhouse है वो किसे कहा गया,
सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ स्पेस एक्सटेंशन। जाहिर है बहुत से लोग अपने आप को परिवर्तित करने के लिए जंगलों का कटाव करते हैं, डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से बहुत से जीव प्राणी हैं या जीव जंतु हैं, इवन फॉरेस्ट हैं, वो सब एक्सटिंक्शन हुए जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, मतलब मरने की कगार पर आ जाना, उसे कहते हैं एक्सटिंक्शन होना। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, तबाही, डिस्ट्रक्शन। इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड, कहा जाता है, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज कही जाती है कि फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड एंड डेजर्ट्स फॉलो। फॉरेस्ट के बाद मैनकाइंड और मैनकाइंड के बाद डायरेक्ट डेजर्ट आने वाला है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोसीड्स मैनकाइंड, ठीक, फॉरेस्ट थे फिर मैनकाइंड आई एंड देन डेजर्ट फॉलो। मैनकाउंड जो है डेजर्ट्स को फॉलो करेगा इन नेक्स्ट टू जनरेशन, अगली कुछ आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए सिर्फ इस दुनिया में डेजर्ट्स ही बचे रहेंगे। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million एकर्स अ ईयर। कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये हमारा एक एंशियंट पैट्रिमोनी है, एक एंशियंट संपत्ति थी जो हमें मिली भगवान के माध्यम से, भगवान के द्वारा, इज नाउ इरोडिंग, कट रही है, कम हो रही है, खराब हो रही है, इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million एकर्स, या एक साल में 40 से 50 एकड़ जमीन को काट दिया जाता है, मतलब जंगलों की कटाई कर दी जाती है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉइल एंड इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। जो ग्रोइंग यूज ऑफ डंग है, डंग का यूज, मतलब कंडों का यूज, ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसके अंदर, नेचुरल फर्टिलाइजर जमीन के अंदर, ये उसको खराब कर रही है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। लगभग 2000 आते 20 साल पहले इसकी डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ी थी, जो कि एक एस्टिमेशन है द वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक एक संस्था है जो कि पूरे देश में जितने भी कंट्रीज है उनको एक उधार पैसा देती है और कुछ चीजों का वो आकलन भी किया करती है, अपनी रिपोर्ट हर साल वो प्रस्तुत करती है किसी भी देश के संबंध में, स्पेशली, ठीक है। अभी भी आ रही है वॉइस प्रॉब्लम, हमें नहीं लग रहा है, चलो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा बढ़ाते, वॉइस प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। It has been, तो हो गया, James Smith, the president of the World Resources Institute, World Resource Institute है, said the other way, other day, दूसरे दिन वो कहते हैं कि we were saying that we are losing the forest as an acre a second, कहते हैं लगभग हम एक एकड़ को एक सेकंड में जो है गंवा रहे हैं, पूरे दुनिया में पर डे ऐसा हो रहा है कि एक सेकंड में एक एकड़ जमीन जो है जंगल की उसे काटा जा रहा है, but it is much closer to an acre and a half. बाद में पता चलता है कि मैं गलत था, लगभग 1.5 एकड़ जमीन एक सेकंड में काटी जा रही है, मतलब 1.5 एकड़ जमीन पर जो फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 48A जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट, कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करे और इंप्रूव करे किसको, एनवायरनमेंट को, एंड सेव करे, सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। कंट्री की जितना भी वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीवन, मतलब जंगल का जीवन, उसके अंदर आपके एनिमल्स भी आते हैं, उसके अंदर फॉरेस्ट भी आता है, उसको जो है प्रोटेक्ट करे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 48A में लिखा हुआ है, ठीक। बट व्हाट कॉज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट That laws are never respected. लेकिन सबसे बड़ा दर्द यही है भारत में, होता है पेन। एंग्विश का मतलब क्या होता है? पेन, ठीक, पेन का मतलब दर्द, दिख रहा है सबको पेन, एंग्विश का मतलब पेन। जब सबसे बड़ी जो बट वॉट कॉजेस एंडलेस एंग्विश, मतलब अनंत एक दर्द की बात यह है, बहुत ही दुख की बात यह है, फैक्ट है लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड एंड नॉर इम्पोज, ना तो यहाँ पर सम्मानित किए जाते हैं, मतलब लॉज बनाए तो गए लेकिन उनको ना इम्पोज किया गया, सिर्फ किताबों के अंदर, फाइलों के अंदर, संसद भवन में लॉज बन गए, नियम कायदे कानून बना दिए गए, बट इंडिया के अंदर इम्पोज नहीं होते प्रॉपरली। एंड फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लें, फॉर इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट
casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished. जो जातिवाद है, गुलामियत है, स्लेवरी जिसे कहते हैं, मतलब बंधुआ मजदूर है, और साथ ही साथ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इन सबको एबोलिश कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, इन सब चीजों को खत्म कर देना चाहिए, जड़ से उखाड़ कर देना चाहिए. लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, बट दे फ्लोरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 इयर्स ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी. लेकिन फिर भी 44 इयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत के आजादी के लगभग 44 साल बाद, 44 साल क्यों कहा जा रहा है ये, क्योंकि 1994 में ये लिखा गया, लगभग 1991 में स्टार्ट किया गया होगा, इसलिए 1944 जो 44 इयर्स कहा गया, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो अराउंड 44 इयर्स, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि लगभग 44 साल बाद ये शर्म की बात है, शेमलेसली ये बढ़ रहा है, और इसको कोई भी, इसके ऊपर कोई कानून नहीं इम्पोर्स किया गया है भारत के अंदर. The Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. ठीक, तो कहा क्या है, बट दे फ्लोरिश शेमलेसली, लेकिन ये फल फूल रहा है, जैसे अनटचेबिलिटी हो, चाहे जैसे हर एक तरह के कानून बनाए गए, या सड़क पे चलने के भी कानून बनाए गए, लेकिन क्या करते हैं भाई, वाइल्ड गाड़ी जा रहे हैं, पुलिस वाले लोग धप्पे, ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं. दिस इज आवर सेल्फ दैट वी आर citizens, so we have to perform some citizenship. हमारी जो citizenship है, नागरिकता से हम भारत में निवासी हैं, citizenship के लिए नहीं है, to protect the heritage, to protect the national symbols and the laws. ये सारी चीज़ों को protect करना, ये एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी होती है, ये सिर्फ पुलिस की या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. लेकिन फिर भी after all we are Indian, we cannot be reformed ourselves. हम कभी अपने आप को सुधार तो सकते ही नहीं है ना, तभी हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम भारतीय हैं. तो फ्लोरिश शेमलेसली वर इवन आफ्टर द 44 इयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बावजूद, 44 साल के बावजूद ये शेमलेसली फ्लोरिश हो रहे हैं. अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट एस्टिमेट कमिटी, एक हाल की कमेटी की रिपोर्ट, एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट ने हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डेप्लीशन. डेप्लीशन का मतलब होता है कटाव, कम होना, ठीक है, कमी आना. कैटास्ट्रोफिक डेप्लीशन के बारे में रिपोर्ट है, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है तबाही. कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या होता है भाई, तबाही. कैटास्ट्रोफिक तबाही, अगर ना समझ में आए तो तबाही लिख दीजिएगा. ऑफ इंडिया फॉरेस्ट, इंडिया के फॉरेस्ट की तबाही के बारे में लिखा, ओवर द लास्ट 4 decades, लगभग पिछले कुछ डिकेड, डिकेड्स का मतलब होता है द पीरियड ऑफ 10 years, लगभग 10 साल का समय. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 million acres पर ईयर. इंडिया लगभग 3.7 million acres, लगभग 1 million = 10 lakh, 3 million = 30 lakh, एंड 0.7 million = 7 lakh, अराउंड 37 lakh acres जमीन है पर ईयर ये डिटेरियोरेट कर रहा है, इंडिया खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, काट रहा है उन जंगल को, बिकॉज इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री है ना, इंडिया तो डेवलप कर रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है आप खुद ही डिसाइड कर लें. तो मिलियन एकर्स ईयर लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, एंड द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिक्स. गवर्नमेंट का स्टैटिक्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये 8 गुना, गवर्नमेंट ने एक आकलन दिया है. अगर आप लोकपाल बिल अगर होता या आप सरकार से इसका डेटा मांगे, तो सरकार के द्वारा दिए गए डेटा के 8 गुना जमीन का दोहन किया जा रहा है, जंगलों का या पेड़ों का, लकड़ी का दोहन किया जा रहा है 8 गुना. मतलब मान लीजिए अगर 5 मिलियन पर ईयर है, 8 गुना मतलब 40 मिलियन एक्चुअल में है. सरकार तो हमेशा अपनी कमियों को छुपाएगी, उधर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस हो, व्हाटएवर सपा हो या बसपा हो, डजंट मैटर, बट एज बीइंग अ सिटीजन वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे क्या कह रहा है भाई. नेक्स्ट पैराग्राफ, अब 3 study यूजिंग स्टेटमेंट्स आर एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस ने एक सर्वे किया एरिया का, ठीक है, फोटोग्राफी ली, एक एयर फोटोग्राफी करी उसने, हवाई जहाज से के मदद से, हवा से पूरे एरिया का एक चित्रण लिया, फोटोग्राफ्स लिया. तो उसमें यूनाइटेड नेशंस ने वॉर्न किया दैट द एनवायरनमेंट हैज डिटेरियोरेटेड सो बैडली दैट इज द
क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला लगभग 88 कंट्रीज ऐसे हैं, 88 देश ऐसे हैं जहां पर जो ये एनवायरमेंटल की जो हालत है, हेल्थ है, डिक्लाइन नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुकी। डिक्लाइन का मतलब तो होता है कम होना, बीमार होना या वीकन होना, ठीक है। डिक्लाइन नहीं है बल्कि क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब होता है क्रिटिकल, नाजुक होना, नाजुक, ठीक है, नाजुक इसमें जा चुकी है, इसमें जो कंडीशन है, दैट इज क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। पता है चलने पर देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। भारत मानव समाज की जो सोसाइटी उसको बिगाड़ने के पीछे जाहिर है आज का एक फंडामेंटल रीजन है ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड स्पेशली इन इंडिया एंड देन आफ्टर चाइना। चाइना में ज्यादा है लेकिन वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कई कई तरीके अपना लिए गए हैं, बट यहाँ पर चाहे इतने तरीके आ जाए लोग नहीं सुधरने वाले। और लोग क्या, लोग में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, तो हु विल थिंक ओवर दिस इफ एज बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड थिंक ओवर इट, बट हाउ कैन वी नो टू बी एज इंडियन इफ वी जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। हम कैसे भी भारतीय कैसे कहे जाएंगे, ये भी तो बात है कि हमें भारतीय सिंबल भी बनना है, भारत की पहचान यही है जो लिखा है इसको ही तो फॉलो ना करो, जहाँ लिखा है यहाँ पर करना मना है करना वही है, है ना। देयर कैन बी नो डाउट, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इसका एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी को डिस्टॉर्ट करने के पीछे, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है खराब और बर्बाद करने के पीछे, बिगाड़ने के पीछे, ह्यूमन सोसाइटी बिगड़ चुकी है। And it took mankind more than a million years to reach the first billion. अब सोचिए first billion पहुंचने में लगभग 1 million का समय लग गया, 1 million year, 1 million year का मतलब पता है 10 लाख साल होते हैं, 10 लाख साल। अब यहाँ पर समझना है 1 million का मतलब हो 10 लाख, यहाँ पर 1 billion, ठीक, 1 billion is equal to 1 अरब। तो 10 लाख साल लगे हमको 1 अरब होने में पूरी दुनिया को, 10 लाख साल लगे, 1 million year लगा था हमको 1 अरब पहुंचने में जब ह्यूमन सभ्यता शुरू हुई थी। कह तो रहा है साफ साफ दैट इट टुक मैनकाइंड मोर देन a million years टू रीच द फर्स्ट बिलियन। फर्स्ट बिलियन पहुंचने में हमें 1 million years लगे। That was the world population around the year 1800, जो कि 1800 शताब्दी, जो कि अभी हम लोग 2021 चल रहा है, मतलब 2000 साल ये, 200 साल ये और 21 साल ये, 221 साल हम लोग आगे आए हैं। और वो 1 billion से, 1 अरब से, 1 billion से आज हमारी population 7 अरब के ऊपर है, 7 अरब के ऊपर। 1 million is equal to 10 lakh and 1 billion is equal to 1 अरब, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर होता है। जैसे 1 million कहा गया, उसके बाद 10 million कहा जाएगा, फिर 100 million कहा जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से 1 billion इज इक्वल टू 1 अरब निकल कर आएगा, आप से काउंट कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 बाय द ईयर 1900, 1800 से 1900 तक आते आते 100 सालों में अ सेकंड बिलियन वाज एडेड। तो एक सेकंड बिलियन की पॉपुलेशन एड हो गई दुनिया में, जबकि पहली 1 billion की पॉपुलेशन हमें 10 लाख साल लगे, 10 लाख साल। हाउ and what a tremendous fact about the world population, world population के बारे में कितना tremendous fact है, ये भी सोचने वाली बात है कि उसके बाद हमें अगले 100 सालों में ही हमने इतनी तरक्की करी, हमने खूब विकास किया population में, लेकिन विकास किया, 1 अरब लोग और बढ़ गए 1900 तक आते आते, ठीक है। a second billion was added and the 20th century has added another 3.7 billion। 20वीं शताब्दी आते आते हमने इतनी तरक्की कर ली कि उसमें 3.7 बिलियन को, मतलब 3 अरब 70 करोड़ लोगों को और जोड़ लिया। अब टोटल पॉपुलेशन हो गई 5 अरब 70 करोड़ का सन 2000 में, 20 सेंचुरी आगे। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। तो अभी जो 1994 में उन्होंने लिखा है ये तब की पॉपुलेशन है। नाउ 100 साल में 1 बिलियन आया, फिर अगले 100 साल में 2.5 बिलियन आए, और अभी सिर्फ 2000 से अब तक कितने 2 बिलियन अपने आप बढ़ गए, मतलब 20 साल में ही 2 बिलियन बढ़ चुके, ठीक है। तो ये था ग्रोथ रेट। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। एवरी 4 डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 बिलियन। हर 4 दिन में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन बढ़ गई, 10 लाख आदमी हर 4 दिन के बाद इंक्रीज हो रहा है। व्हाट अ ग्रेट डेवलपमेंट है ना ह्यूमन बीइंग का। फर्टिलिटी
फॉल्स एज इनकम राइज, जो फर्टिलिटी है वो गिरती है। अब यहाँ सोल्यूशन दिया गया है कि हाउ टू कंट्रोल बर्थ, हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक छोटी चीज लिखी कि फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो फर्टिलिटी अपने आप नीचे आएगी। अब ये कॉन्सेप्ट कम पढ़े लिखे लोगों को, जाहिलों को तो नहीं समझ में आएगा, बट अफकोर्स पढ़े लिखे लोग जो है एक्चुअल पढ़े लिखे डिग्री धारक नहीं की बात कर रहे हैं, अगर वास्तविक रूप में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है या आपने समाज शास्त्र पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ी तो उसकी जो फर्टिलिटी रेट है मतलब प्रजनन क्षमता है वो कम होगी। इसका ये मतलब नहीं कि आप नपुंसक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली अभी आगे एक चीज और है कि फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, तो आप बहुत से लोग सोचिए अभी यार ऐसा है सच्चा कि इनकम ना बढ़े वहाँ फर्टिलिटी रेट कम हो जाए, या फर्टिलिटी रेट कम होने का एक ऑल राउंड ओवरऑल एक ओवरव्यू में क्या है आगे देखते हैं। एजुकेशन स्प्रेड्स, शिक्षा फैलती है एंड हेल्थ इंप्रूव्स, और हेल्थ जो है इंप्रूव होगी। अब जाहिर जो हेल्दी व्यक्ति होगा वो उसके अंदर फर्टिलिटी रेट बायोलॉजिकल टर्म के हिसाब से अगर बायोलॉजी की बात करें तो हेल्थ उसकी बहुत अच्छी, उसका फर्टिलिटी रेट भी अच्छा होगा, बायोलॉजी कहती है। बट यहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स की सोसाइटी के हिसाब से बात कर रहे हैं एंड द कंसेप्ट ऑफ कॉमन ह्यूमन बींग, ठीक है, उनके विचारों के हिसाब से। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिक, जो डेवलपमेंट है विकास है ये सबसे बड़ा गर्भ निरोधक है, कॉन्ट्रासेप्टिक कहा जाता है गर्भ निरोधक को। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, सिर्फ डेवलपमेंट ही अकेले ये पॉसिबल नहीं कर सकता, इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज, ठीक है, अगर आज की जो पॉपुलेशन ये ऐसी बढ़ती चली जाए, इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज, द रिच गेट रिचर, जो अमीर है वो अमीर होता जाता है, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन व्हिच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और जो गरीब है वो ऐसे बच्चे पैदा करता है, बिगेट, बिगेट का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है, पैदा करना, बिगेट का मतलब पैदा करना, ऐसे बच्चों को पैदा करता है विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर, कि वो पिता जो है खुद उन बच्चों को गरीब रहने पर मजबूर कर देता है। जब एक पांच बच्चे होंगे तो पांचों बच्चों को पढ़ाना ही पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको दो पेज में समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी आप हायर स्टडी करेंगे 12th क्लास के बाद आपको इकोनॉमिक्स में एक पूरा डिटेल स्टडी करने को मिलेगा कई पेज, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, तो कंडेम देम टू रिमेन पुअर, उनकी वजह से उनको पुअर रहना पड़ता है। मोर चिल्ड्रन Does not mean more worker. ज्यादा बच्चे का मतलब नहीं कि ज्यादा काम करने वाले होंगे, merely more people without work. बल्कि इसका मतलब है कि सिर्फ वो population बढ़ाएंगे और साथ में साथ बेरोजगारी भी बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति के ऊपर सात लोगों की जिम्मेदारी होगी तो ना वो अपना विकास कर सकता है, ना तो उन बच्चों को सही से एजुकेशन दे पाएगा, ना खिला पिला पाएगा, तो अल्टीमेटली उनकी हेल्थ जो है डिक्लाइन होगी, अल्टीमेटली उनका डेथ रेट ज्यादा होगा, फिर बच्चे होंगे क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। कि बर्थ करना, बच्चे पैदा करना, ये सही है कहाँ तक और गलत है कहाँ तक, आखिर उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, उसके चैप्टर थोड़ा सा बचा है उसको पूरा कर लेते हैं फिर कभी, ठीक है। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इट इज नॉट सजेस्टेड, ऐसा सजेस्ट नहीं किया जाता, दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरली स्टरलाइज्ड, ठीक है, इट इज नॉट सजेस्टेड। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको स्टरलाइज कर दिया जाए, स्टरलाइज का मतलब होता है नपुंसकता प्रदान करना या नपुंसक बना देना। जानवरों को तो कर सकते हैं, मैं आपने सुना होगा अगर हम अपनी देसी भाषा में कहें तो बकरा जब आता है तो आपने दो तरह के बकरे देखे होंगे, किसने किसने देखे भाई बकरे बता दे, दो तरह के बकरे बताए, हाँ बताए भाई किसने किसने बकरे देखे, ठीक है। बकरा अगर देखा होगा आपने तो दो तरह के एक होते हैं, एक बतिया बकरा होता है मतलब काट दिया जाता है, और एक बकरा ऐसा होता है, तो दो तरह के बकरे भी होते हैं, तो जाहिर है कि उनको स्टरलाइज कर दिया जाता है। स्टरलाइज का मतलब होता है आपका पुरुषार्थ आपसे छीन लिया जाए, मतलब आपको नपुंसक बना दिया जाए। तो यहाँ पर ये सजेस्ट नहीं किया जा रहा है कि आपको स्टरलाइज कर दिया जाए, जो वर्ड लिखा है स्टरलाइज, बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, लेकिन इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चुनाव ही नहीं है, हमें खुद से वॉलंटरीली स्वयं की इच्छा से, वॉलंटरी का मतलब होता है स्वयं की सेवा या स्वयं की इच्छा से कुछ करना, कि हमें फैमिली प्लानिंग करना चाहिए विदाउट यूजिंग एन एलिमेंट ऑफ सियोर्शियन, ठीक है। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएटेड ऑफ पॉवर्टी, जो चॉइस है इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन
पॉपुलेशन को कंट्रोल करने और परपेचुअल ऑफ पॉवर्टी और गरीबी को बढ़ने ना देना। परपेचुअल ऑफ पॉवर्टी का मतलब हुआ गरीबी का बढ़ना, परपेचुअलिटी का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तो पॉवर्टी का ना बढ़ना और कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, इनके बीच की चॉइस हमें कर लेनी है कि पॉपुलेशन भी ना बढ़े और गरीबी भी ना बढ़े। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लास्ट पैराग्राफ है शायद, दिखाई दे रहा है सबको। The population of India is estimated to be 920 million today. आज 920 million मानी जाती है। 1994 की बात हो रही है, अराउंड अभी तो लगभग 13-14 मिलियन होंगी, ठीक है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, मतलब सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को भी मिला दिया जाए, कॉन्टिनेंट को मिला दिया जाए तो टू कॉन्टिनेंट है ना। फर्स्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, सबसे बड़ा माना जाता है, उसके बाद और भी कॉन्टिनेंट है। अगर हम एशिया छोड़ करके दो कॉन्टिनेंट की पूरी पॉपुलेशन को ले लें तो इंडिया की पॉपुलेशन उससे कहीं ज्यादा है। अफ्रीका साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। कोई भी इसमें कोई शक नहीं है, किसी को नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन, किसी भी व्यक्ति को इस कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना फेमिलियर है। इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री, दैट द पीपल विल डाई इन हंग्री, भूख से भी मरेंगे हटमेंट्स। एक समय आएगा कि भारत में लोग भूख से भी मरेंगे अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जब तक की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के अंतर्गत भारत की पॉपुलेशन को रखा जाएगा तब तक कोई भी इस फैक्ट से फेमिलियर नहीं है, नो वन कैन बिलीव। सब कहते हैं अपना काम बनता है, भारत में जाए जनता अपना तो चल ही रहा है ना, कहते भी दाना पानी खाना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, अगर पहली बार बात करें, फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी आर ट्रांसेंडिंग कंसर्न, है ना, पहली बार हमने इतना बड़ा कंसर्न देखा है, द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, एक बहुत बड़े लेवल पर कंसर्न देखा है, द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ लोगों की सिर्फ सर्वाइवल की ही बात नहीं है कि हाउ टू सर्वाइव द लाइफ ऑफ टूडे बट ऑफ द प्लैनेट, बल्कि पूरे प्लैनेट का एक कंसर्न बन चुका है, पूरे अर्थ का, पूरा एक प्लैनेट का एक कंसर्न है। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, अब हम लोगों ने एक समेकित पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया है, मतलब क्या, एक होलिस्टिक व्यू अपना लिया है, मतलब समग्र रूप से अब हम सोचते हैं, हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है एग्जिस्टेंस के बारे में। एंड द एनवायरमेंट पॉपुलेशन प्रॉब्लम does not necessarily sign our damage. The environment problem है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर जाएंगे, but tackle करना है आज की problem को आगे ना बढ़ने देने से, otherwise if we don't tackle the problem today, so our next generation of course or surely face the problem of survival. Today we are not facing the survival problem, but our next generation of course face this problem. Damage का मतलब होता है मृत्यु। इट इज अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये एक्चुअल में आज की जो जागरूकता है एनवायरमेंट के संबंध में, ये हमारे लिए एक पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट के थ्रू हम अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, द इमर्जिंग न्यू व्यू, एक नए दृष्टिकोण के साथ, सॉरी इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक नई एरा लाएंगे, एक नया युग लाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा। एंड इट इज होलिस्टिक व्यू, और एक समग्र रूप है, ये समग्र पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड इकोलॉजिकल व्यू, एक इकोलॉजिकल व्यू है, मतलब पर्यावरणीय अगर बात करें। एंड सेटिंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शंस ऑफ पार्ट्स, लास्ट टू लाइंस लिखे हैं, इंडस्ट्रीज हैज अ मोर मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द व्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्रीज का बहुत ही बड़ा हाथ है इसमें, इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले, मतलब जो औद्योगिक जगत है, उद्योग है, इनका बहुत ही बड़ा एक भाग है, एक बहुत बड़ा रोल है एक नए एरा को लाने में। व्हाट आर ट्रांस, थोड़ा सा बहुत कटा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक जस्ट अ मिनट लेट मी सी, ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर, इफ मोर के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे इसका क्या अर्थ होता है।
Now it is clear. So please share the view of the chairman of DuPont. DuPont नाम के एक chairman है, मेरा business person है, वो कहते हैं Mr. Edgar कहते हैं as a Woolworth who एक company थी DuPont के, तो उसके chairman थे Mr. Edgar. उन्होंने कहा कि 5 years ago लगभग 5 साल पहले declared himself, उन्होंने अपने आप को declare क्या किया himself to be the company's chief environmental officer. उन्होंने अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर कहा. He said our continued existence as a leading manufacturing required that we excel in environmental performance. वो कहते हैं कि अगर हमें अपना एग्जिस्टेंस बचाना है, कंटिन्यू रखना है, तो फिर हमें पहले एक्सेल करना पड़ेगा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में. मतलब वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट फर्स्ट एंड देन वी कैन कंटिन्यू आवर बिजनेस. हमें अपना बिजनेस तभी बचा पाएंगे जब हम पूरे एनवायरमेंट को तो बचा पाएं, तभी तो हम अपने बिजनेस को फैलाएंगे. आखिर बिजनेस करेंगे किसके लिए? आने वाली जनरेशन के लिए, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए. इफ दिस पॉपुलेशन मे नॉट बी कंटिन्यूड, सो व्हाट वी विल डू विद अवर बिजनेस? हम अपने बिजनेस अब करेंगे क्या? इसी वजह से उन्होंने अपने आप को चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर कहा. आगे कहते हैं ऑफ एन स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर. मार्गरेट थैचर नाम की ड्यूरिंग इयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप, अपने प्रधानमंत्री काल में मार्गरेट थैचर ने एक स्टेटमेंट दिया. Then has passed so decisively into the current coin of English usage as her precious words. अब तक की कभी भी दुनिया में, कभी भी इतिहास में, किसी भी लैंग्वेज में इस तरह से नहीं कहा गया वर्ड्स. नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ. किसी भी जनरेशन को इस अर्थ पर फ्री होल्ड नहीं प्राप्त है. फ्री होल्ड का मतलब है कहीं पर भी कब्जा कर लेना. आपने देखा होगा फ्री होल्ड प्लॉटिंग कभी होती है, तो कहीं पर भी कब्जा ना कर लेने का ये अधिकार नहीं है. मतलब आप कहीं पर भी कब्जा नहीं कर सकते, ये अधिकार आपको नहीं है. ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी. हम सभी लोग आए हैं एक टेनेंसी के रूप में. टेनेंसी का मतलब एक किराएदार के रूप में आए. अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज. हम लोगों ने इसको लीज पर ले रखा हुआ है, एक रिपेयर के तौर के ऊपर हमें रिपेयर करने के लिए भेजा गया. इन द वर्ल्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ. हमने इस दुनिया को इनहेरिट किया है अपने फोरफादर से नहीं. वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन. हमें अपने फोरफादर से ये विरासत नहीं मिली, बल्कि हमने अपने बच्चों से इसको उधार लिया है कुछ समय के लिए, ताकि हम उसको रिपेयर करें. एंड देन वी प्रोवाइड देम अ फ्रेश अर्थ. And that is why it is all about the chapter that a common human being has to take care of the earth respectfully and carefully. मतलब एक सम्मानपूर्ण तरीके से पृथ्वी के जो क्या नाम जिम्मेदारियां हैं इस अर्थ को बनाए रखने की, ह्यूमन सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए, एनवायरमेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए, ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ना कि गवर्नमेंट, पर्टिकुलर गवर्नमेंट, पर्टिकुलर नेता का. ठीक है, so this is all about the chapter. I hope that you understood this chapter in my language. If you have any question or query, you may comment. Otherwise, we will talk about more about the rest of the chapters, which I just dropped it due to some problem. वो संडे को शेयर हो जाएगा, तो संडे में रात आएगी परसों. ठीक है, tomorrow there is no class of English. तो तब तक के लिए देखते हैं, bye bye, and please share this video with your friends. Thank you so much for coming.